लेकर आई ताजा रिपोर्ट ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ये लगने लगा है कि एशिया में अमेरिका नहीं बल्कि अब चीन सुपर पावर बनने के करीब है। एक दिन पहले जहां चीन ने तालाना नेवल परेड में मिसाइल विध्वंसक पेश किया, तो इसी के आसपास वो रिपोर्ट भी जाहिर हो गई जो अमेरिकी सरकार की ही एक उपसमिति ने बनाई थी। वो रिपोर्ट ये कह रही है कि अब चीन को रोकना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। नेवल परेड में पहली बार चीन ने अपना वो समुद्री विध्वंसक पेश किया। ये चीन में बना अपनी तरह का बेहद आधुनिक विध्वंसक समुद्री जहाज है, जो कि किसी भी तरह की गाइडेड मिसाइल्स के छक्के छुड़ाने में माहिर है। इस विध्वंसक के दक्षिण चीन सागर में उतरने का मतलब होगा चीन की समुद्री ताकत का कई गुना बढ़ जाना। चीन के मौजूदा प्रमुख शी जिनपिंग के जमाने में देश का रवैया न केवल पूरी तरह से बदल चुका है, बल्कि अपनी ताकत के प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं चूकता। पहले नौसेना आमतौर पर पारंपरिक थी, समुद्र पर दूसरे विश्व युद्ध तक उसकी ताकत बहुत कमजोर आंकी जाती थी। अब उसके पास ताकतवर और आधुनिक लड़ाकू समुद्री जहाजों, न्यूक्लियर पनडुब्बियों, लड़ाकू नौकाओं की इतनी बड़ी खेप है, जिससे अमेरिका खासा चिंतित है। अमेरिकी रक्षा मामलों की गैरी रॉक डी की रिपोर्ट भी कहती है कि अगर दक्षिण चीन सागर में कभी ताइवान को लेकर तनाव हुआ और युद्ध छिड़ा, तो अमेरिका भार का भी सामना कर सकता है। चीन में सेना के सर्वोच्च कमांडर खुद राष्ट्र प्रमुख शी जिनपिंग है। वो चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमांड के प्रमुख है। यही वो बॉडी है जो चीन के बड़े सैन्य फैसले लेती है। काफी हद तक चीनी सेना में लीडरशिप की पेचीदगी की समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। उसका ढांचा लगभग वैसा ही है जैसा अमेरिकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का। अब अमेरिका की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी स्वीकार करने लगी है कि चीन अमेरिका के खिलाफ शीत युद्ध छेड़े हुए है। वो अपनी पूरी ताकत से इस बात में जुटा है कि अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर हैसियत से हटा दिया जाए।